days ago. तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे बंदे उतरे हैं और आज हम उतरे हैं सिक डेल्टा। हाँ यार, सिक डेल्टा इसलिए उतरे हैं क्योंकि हमें किलो का लॉस नहीं चाहिए, हमें किल चाहिए। तो हम यहाँ से लूटलाट करते हैं तो यहाँ से सस्ती गन मिल जाती है जैसे कि शॉर्ट गन, और अब हम आगे वाले घर में लूट करने जाते हैं तो वहाँ पर भी सस्ती वाली गन मिल जाती है, AKM और UZ। तो अब देखो चाचा, इस घर में जैसे मैं आता हूँ तो मुझे एक बंदे की फुटस्टेप आती है और थोड़ी देर में मैं उसे बंदे को चेक करता हूँ कि कहीं सामने वाले घर में ना हो और मेरे पे कहीं नेड ना कर दो। तो चाचा घर के ऊपर आने लगते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि चाचा सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और चाचा अब ऊपर आएंगे। तो देखो चाचा को अब क्या ही निपटाते हैं। अब देखो चाचा कहाँ भागे चले जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा गांजा पिए हैं, कौन सी चिलम फूके हैं, पता नहीं चाचा कतई नशे में दौड़ रहे हैं। और देखो चाचा को जैसे ही हमने 1 HP में निपटाया है और इनको लूट लाट कर अब हम निकलेंगे आगे की तरफ। और अब देखो आप गलत ही सीन, और यहाँ से पट्टी वट्टी लगा कर आगे की तरफ निकलते हैं क्योंकि आगे हो रही थी फाइट और हमें किल चाहिए। तो भाई थर्ड पार्टी करो। हाँ यार, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे बंदा दिख जाता है और वो बंदा राइट लेफ्ट करता रहता है, तो उस बंदे को चाचा निपटा दिया जाए। तो चाचा UMP चला रहे थे और UMP के सामने AKM है यार, थोड़ी तो शर्म किया करो। तो चाचा से थोड़ी बहुत लूट लाट करके और हम थोड़े बहुत डैमेज भी हो गए थे, तो चाचा पट्टी वट्टी लगा के यहाँ से आगे की तरफ निकला जाए। और आगे भी फाइट हो रही थी तो चाचा यहाँ पर दो बंदे थे, एक बंदा पता नहीं कहाँ चला गया पर एक बंदा यहीं पर था और मुझे लेफ्ट से फुटस्टेप आ रही थी। मैंने सोचा कहीं घर में ना हो तो एक बम बबूरा ट्राई किया जाए। तो चाचा बम बबूरा तो कर देते हैं लेकिन बम बबूरे से कुछ नहीं होता और चाचा राइट में आ जाते हैं और देखो अब चाचा को क्या ही निपटाते हैं। चाचा को सारी गोलियां हेड लगी थी और उन्होंने हमें 2 गोली मारी थी, तो बहुत डैमेज तो नहीं हुए हम। और इन चाचा को निपटा कर लूट लाट कर अब आगे ड्रॉप था तो चाचा ड्रॉप की तरफ चला जाए। और देखो अब गलती सीन, जैसा कि आप देख रहे हो मैं इस तरफ आगे जाता हूँ तो मुझे अब राइट से एक गाड़ी ड्रॉप पर आती हुई दिखेगी और मुझे पता नहीं था कि ड्रॉप पर पहले से बंदा है। जी हाँ, क्योंकि वीडियो में एक बंदा मुझे लेफ्ट में दिख जाता है लेकिन जिस टाइम मैं गेम प्ले में था उस टाइम मुझे बंदा नहीं दिखा था। तो उन बंदे को भी क्या निपटाते हैं देखो आप। देखो चाचा ने राइट से गाड़ी निकाल दी है और उन चाचा ने मुझे नहीं देखा था तो चाचा ने गाड़ी यहीं रोक दी और अब देखो चाचा को डैमेज देते हैं। चाचा बचकर निकल जाते हैं यहाँ से पर लास्ट में मिल ही जाते हैं। और अब जो लेफ्ट में बंदा था उस बंदे की फुटस्टेप आ रही थी मुझे और वो बंदा था US के पास। तो देखो चाचा को इजीली निपटा दिया जाता है। चाचा का नाम तो ऐसा आ रहा था किलफीट में जैसे कोई प्रो हो और वो दूसरा बंदा जो था वो गाड़ी लेकर निकल जाता है वहां से और उस बंदे को भी मैं गाड़ी से उतार देता हूं। चाचा क्या समझ कर आए थे। यहां से लूट लाट कर मैं आगे की तरफ निकलता हूं क्योंकि आगे एक बंदा था पर पता नहीं क्यों पीछे से मुझे गाड़ी की आवाज आती है और मैं आगे कवर में जाता हूं। और देखो अब उन गाड़ी वालों के नशे, चाचा डासिया लेके आ रहे थे और अब उनके अलग ही नशे देखो। चाचा भांग खा कर आए हो क्या।
तो चाचा ने मुझे बहुत डैमेज कर दिया था, तो मैंने सोचा पहले पट्टी वट्टी लगा ली जाए और फिर वापस जाया जाए और उनको पेल दिया जाए। तब तक चाचा गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। अब मैं चाचा को पकड़ने जाता हूँ तो कहीं दिखते नहीं, मुझे पता चल गया कि चाचा यहाँ से निकल चुके हैं। मेरे बहुत ढूंढने पर चाचा नहीं मिले, तो मैंने सोचा अब यहाँ से शांति से लूट लिया जाए और अब यहाँ से निकल लो जल्दी से। तो यहाँ से मैं अब सामने वाली हिल पर जाता हूँ, तो सामने पहाड़ी दिख रही है वहाँ पर, और यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे भी अब होने वाले हैं बहुत सारे गलत सीन, तो देखो अब। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं सोलो वर्सेस सोलो खेल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा टीममेट नहीं है। पता नहीं मेरे टीममेट ने भी कौन से नशे किए हुए हैं, पता नहीं रोज़ रोज़ कहाँ चला जाता है घूमने के लिए। हाँ यार, पता नहीं मेरा टीममेट कहाँ चला जाता है भाई। टीममेट के बगैर टीम अधूरी और चिकन डिनर भी नहीं हो सकता। कोई नहीं, चिकन डिनर नहीं तो किल तो होनी ही चाहिए। और अब चाचा देखो, यहाँ से मैं बंदे ढूंढता हूँ, बंदे नहीं दिखते हैं, पर एक चाचा पीछे से पता नहीं कब आ जाते हैं, पता नहीं सांप बने हुए होते हैं या फिर कब आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और वो मुझे थोड़ा बहुत डैमेज भी कर देते हैं। और देखो अब आएंगे चाचा। सामने एक ड्रॉप गिरा हुआ होता है और वहाँ पे घर के पास एक गाड़ी भी होती है, तो मुझे पता था कि वहाँ पर एक बंदा तो कन्फर्म है। तो मैं उधर देखता हूँ, उतनी देर में वहाँ पर स्मोक भी हो जाता है उस ड्रॉप को लूटने के लिए, और मैं स्मोक के थ्रू गोली मारता हूँ लेकिन चाचा को नहीं लगती, चाचा बचकर निकल जाते हैं। तो अब इन पीछे वाले चाचा को देखो। चाचा ने स्प्रे तो बहुत अच्छा किया था, पर चाचा गोली चले तब तक पेटी न बने जब तक, तो इन चाचा को भी इजीली निपटा दिया जाता है। और अब निकलते हैं आगे की तरफ। भाई आपको भी पता है कि स्मोक के थ्रू एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, तो चाचा निकल जाते हैं। तो चाचा ने सामने बहुत सारी सिगरेट जला रखी थी, चाचा ने इतना स्मोक कर रखा था, देखो आप कि मतलब कोई लास्ट जोन चल रहा हो जैसे। और उन चाचा के पास AWM मिल गई थी ड्रॉप में से, और चाचा किसी को नॉक भी कर देते हैं, पर चाचा हमसे स्नाइपिंग नहीं करते, पता नहीं क्यों एक ही बॉडी शॉट में डर जाते हैं। मैं मौका देखता हूँ कि चाचा कहीं रुक जाए और उनको हेड वेड लग जाए तो पेटी बन जाएगी और AWM ले लेंगे, तो चाचा को बॉडी दिया। फिर भी चाचा दूसरी बार पीक नहीं लेते, तो फिर मैं सोचता हूँ कि कुछ तो किया जाए यार, चाचा पीक नहीं ले रहे हैं, तो मैं दो बार आगे जाता हूँ और दो बार पीछे आता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कुछ तो करके फ्लैंग फ्लूंग करके इन चाचा को इजीली निपटा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता यार, चाचा एंड तक रहते हैं। और जब मैं इस पेड़ के पास आता हूँ और कोई एंगल लेने की कोशिश करता हूँ तो कोई एंगल नहीं मिलता। हाँ यार, क्योंकि चाचा पीक ही नहीं ले रहे थे, और मैं लेफ्ट में पीछे हर तरफ बंदे चेक करता हूँ, क्योंकि भाई पीछे से बंदे आने वाले पता नहीं कब पेटी बना दे, पता ही नहीं चलता, जैसा कि आपने पीछे देखा ही होगा। तो यहाँ से मैं एक देखता हूँ, एक बंदा मुझे दिखता है,
सांप का चक्कर मौत से टक्कर, तो साला सांप को भी इजीली निपटा दिया जाता है यहाँ पे। और अब देखो आप आगे उस बंदे के बवाल होने वाली है, मतलब उस बंदे पर कोई और बंदा रेस्ट करने वाला है और हम करेंगे थर्ड पार्टी। तो हाँ यार, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि चाचा इतना अच्छा गेम प्ले हुआ है कि क्या बताएं। हाँ यार, दिमाग का दही हो चुका था क्योंकि बंदा पीक ही नहीं ले रहा था, और अब हमने सोचा कि अब जो हो वो अब आगे चला जाए यार, या तो वो मुझे मारेगा या मैं उसे मारूंगा। तो चाचा पर किसी और टीम ने रेस्ट कर दिया। तो देखो चाचा इधर से उधर जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाया जाए। जिस बंदे ने उस पर रेस्ट किया था वो एक बार नीचे कूद गया था, और वो दूसरी बार वापस खिड़की में जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना वहाँ पर दो चार बम बबूरा किया जाए, तो चाचा एक ना एक तो नॉक या डैमेज हो जाएंगे या फिर पेट ही बन जाए, तो भाई एक ही रहेगा, और वो तो थोड़ा बहुत फाइट हुई उनके तो डैमेज हुआ होगा, तो उनको भी ईजिली निपटा देंगे। पर इतने सारे बम बबूरा डालने के बाद भी कुछ नहीं होता, तो भाई देखो अब तो ये बम बबूरा बिल्कुल राइट होता है, और इससे एक बंदा डैमेज होता है यानी कि पेटी भी बन जाती है उसकी, और मैं एक बम बबूरा और करता हूँ, और वो बम बबूरा करने के बाद यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जॉन आ रहा था और 0 सेकंड था हमारे पास, और ज़्यादा कुछ हेल्थ किट वगैरह भी नहीं थे, तो मैंने सोचा फाइट लेने से अच्छा है चाचा पहले जॉन कवर कर लिया जाए। जैसे मैं जॉन में जाता हूँ तो एक बंदा सांप बनना पड़ा हुआ होता है, और आपको तो पता ही है कि सांप का चक्कर मौत से टक्कर, और चाचा चिकन डिनर नहीं होने देते, और कोई सीन नहीं, 8 किल के साथ बहुत ही अच्छा गेम प्ले हुआ है, इसीलिए मैंने गेम प्ले डाला है। और एक बंदा राइट से आ चुका था और दूसरा बंदा सांप बना पड़ा हुआ था जो कि उस पेड़ पे था, और चाचा ने हमें इजीली निपटा दिया। तो हाँ यार, गेम प्ले कैसा लगा आपको, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।